गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज का टॉपिक हमारा है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स और दो प्रीवियस नॉलेज आपको आपके पास होनी चाहिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इसका मतलब क्या है कि जैसे एक सर्कल बना और इस पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है ये आपका रेडियस होता है जैसे ये अगर सपोज करो सेंटर है तो ये यहाँ पर नाइन्टी डिग्री होता है ओके टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर ये टेंजेंट है तो ये परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ठीक है दूसरी चीज है टेंजेंट सेगमेंट टू एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स की लेंथ होती है वो इक्वल होती है ठीक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आप कोई भी बाहर एक्सटर्नल पॉइंट ले लेते हो तो और इसको यहाँ से टेंजेंट्स पे ड्रॉ करोगे तो ये दो टेंजेंट्स जो बनेंगी ये इक्वल इन लेंथ होगी जैसे ये पी ए हुआ इक्वल ले लेते हैं इन दोनों को यूज करते हुए हम टेंजेंट्स की कंस्ट्रक्शन करेंगे तो पहला क्वेश्चन लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है यू आर गिवन अ सर्कल ऑफ रेडियस सिक्स सेंटीमीटर एक सिक्स सेंटीमीटर का एक सर्कल बना दोगे उसके बाद फ्रॉम अ पॉइंट टेन सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर अगर ये इसका सेंटर है इससे टेन सेंटीमीटर अवे हमने जैसे ये पॉइंट ले लिया ठीक है इसको सपोज हमने पी मार्क कर दिया कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजन टू द सर्कल एंड मेजर इट्स लेंथ तो इस डिस्टेंस से इसको आप कहीं पे भी ले सकते हो टेन सेंटीमीटर किसी भी जगह ले सकते हो और यहाँ से आपको दो टैंज कंस्ट्रक्ट करनी है तो कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर ये रहेगा सर्कल बनाया सिक्स सेंटीमीटर का जैसे हमने ड्रॉ कर दिया एक पॉइंट पी विच इस टेन सेंटीमीटर अपे अवे हमने बना दिया सेंटर से ज्वाइन द पॉइंट पी हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेटर ऑफ लाइन ओपी ओ पी का परपेंडिकुलर बाइसेकटर बनाना है तो ये हम कैसे बनाते हैं हमारा कंपास हम इस तरह से ओपन करेंगे कि मोर देन टेन का हाफ क्या होता है फाइव मोर देन हाफ हम अपने यानी कि फाइव से ज़्यादा सिक्स सेंटीमीटर और सेवन सेंटीमीटर कितना भी रफली इसको ओपन करेंगे पी पर रखते हुए अब पेंसिल का मार्क यहाँ पे मेटल uh, वाले पॉइंट को यहाँ रखेंगे एक आर्क ऊपर लगाया एक आर्क नीचे लगाया ठीक है अब उसको चेंज नहीं करना कंपास को यहाँ ले आना ओ पॉइंट पे सेम रेडियस के साथ जितना यहाँ पे आर्क लगाए ना जितने रेडियस से उतने से ही एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे तो ये जो पॉइंट हो जाएगा जब आप इसको कंबाइन करोगे ये इसका सेंटर है इसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल सकते हैं सो ये जो पॉइंट मिलेगा ये ओ और पी के बीच में दैट पॉइंट इज द मिड पॉइंट और इसको हमने एम नाम दे दिया एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी ओ तो सपोज इसको एम नाम दे दिया अब ये आपका सेंटर है ओ एम रेडियस हो जाएगा एम पी और ओ एम दोनों इक्वल होंगे बिकॉज ये परपेंडिकुलर बाई सेक्टर है एम पे सेंटर रखते हुए अपने कंपास को ऐसे ओपन करो कि इतना रेडियस हो जाए और फिर ऐसे पेंसिल गोल घुमा दो तो एक सर्कल बन जाएगा एम पे आपको मेटल वाला पोर्शन रखना है ये फिक्स्ड पॉइंट हो जाएगा पेंसिल वाला पोर्शन यहाँ तक ओपन करो ये रेडियस हो जाएगा और उसके बाद पेंसिल को ऐसे घुमा दो तो ये सर्कल बन जाएगा है ना तो हमारा एक सर्कल ऐसे बन जाएगा इस तरीके से बन जाएगा ठीक है कि ये ओ एम और इस पर बराबर इस तरीके से जाएगा सपोज़ ये तुम्हारा पॉइंट पी था ओके अगर ठीक है तो अब ये जो नया सर्कल बना उसने पुराने को जिस पॉइंट पे टच किया ये तुम्हारी टेंजेंट्स ऐसे बनेंगी ओके ये तरीका है इसका बनाने का एम इज सेंटर एम ओ तो आप इसको हम देखते हैं कैसे बना रखा है जैसे देखो ये है हमारा ये सर्कल बनाया ओ सेंटर लिया ठीक है उसके बाद ये टेन सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लिया पी ओ पी को ज्वाइन करा इसका परपेंडिकुलर बाई सेक्टर से यहाँ पे एम मिड पॉइंट ले लिया अब एम पे सेंटर रखते हुए जो ग्रीन कलर का सर्कल है ये बनाया इसने ब्लैक वाले सर्कल को जिन पॉइंट्स पे टच किया उनको नाम दे दिया क्यू और आर फिर पी को क्यू से ज्वाइन कर दिया पी को आर से ये जो पी क्यू और पी आर है ये टेंजेंट्स है और दे विल बी इक्वल इन लेंथ इक्वली इन लेंथ होंगी बिकॉज आप ये देखो ये जो ओ पी है ये आपका डायामीटर है ग्रीन वाले सर्कल का ठीक है तो यानी ये सेमी सर्कल बन रहा है ऊपर और नीचे बिकॉज ओ पी इज द डायमीटर सो ये जो एंगल है एंगल इन अ सेमी सर्कल इज नाइन्टी डिग्री हमने क्लास नाइन्थ में पढ़ा था उस हिसाब से ये नाइन्टी है इसी तरीके से ये एंगल इन अ सेमी सर्कल इज नाइन्टी ये भी नाइन्टी है ये दोनों नाइन्टी हैं और ये ओ आर और ओ क्यू स्मॉलर सर्कल यानी ब्लैक सर्कल के रेडियस हैं तो रेडियस आपकी इक्वल इन लेंथ होते ही है सो so अब आप ये देखो कि रेडियस पर ये नाइन्टी डिग्री तो पी क्यू को क्या होना चाहिए टेंजेंट ही होना चाहिए अभी हमने क्या देखा था फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था जिसे हमें कंस्ट्रक्शन करना है टेंजेंट का हमारा फर्स्ट पॉइंट ये था ना टेंजेंट्स आर परपेंडिक्युलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो ये आपका रेडियस है यहाँ पे 90 है तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो ये बनी है लाइन ये लाइन सेगमेंट क्या होगी टेंजेंट होगी सो दिस वे वी नो दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल ये जस्टिफिकेशन है आपका कंस्ट्रक्शन uh, प्रोसीजर से हम ये कह सकते हैं क्यों है प्रूव दिस फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन लाइन वी नो दैट एंगल इन ए सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल सो ये दोनों एंगल राइट एंगल है और ये ओ क्यू जो है वो रेडियस है सो इट हैज़ टू बी अ टेंजेंट फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंगली ठीक है और ये तुम्हारी बनी कैसे थी ये तुम्हारा सेंटर था ये सर्कल यहाँ से दस सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया फिर इसका परपेंडिकुलर बाई बनाया एम पॉइंट हो गया एम पॉइंट पर रखते हुए इतना कंपस ओपन करके सर्कल बना दिया ग्रीन पार्ट जो बना है एंड ये जो ग्रीन पार्ट यानी न्यू सर्कल ने पुराने सर्कल को जहाँ टच किया वो दो पॉइंट्स हैं इन दोनों पॉइंट्स को इस एक्सटर्नल पॉइंट से मिलाना है टेंजन बन जाएगी ठीक है सो ये तुम्हारा इस तरीके से कंस्ट्रक्शन हो गया ओके अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल है ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजन टू अ सर्कल ऑफ़ रेडियस फाइव सेंटीमीटर जैसे हम एक सर्कल बनाएंगे फाइव सेंटीमीटर का रेडियस है ठीक है उसके बाद हमें क्या करना है इस पर हमें वी हैव टू ड्रॉ अ टेंशन विच आर इंक्लाइन टू इच अदर सिक्सटी डिग्री यानी इस पर दो हमें टेंजेंट्स बनानी जैसे एक फाइव सेंटीमीटर का सर्कल बनाया इस पर दो टेंजेंट्स ऐसे बनानी कि वो सिक्सटी डिग्री पर हो सिर्फ इतना गिवन है डिस्टेंस विस्टेंस कुछ गिवन है ये आपस में सिक्सटी डिग्री पे होनी चाहिए पिछले क्वेश्चन में हमें सिर्फ डिस्टेंस दिया था कि इतने डिस्टेंस पे एक वो बनाइए तो उस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप क्या करोगे एक सर्कल लोगे ये सेंटर लोगे अब यहाँ पर एक एंगल डी रख कर यहाँ पर 120 का एंगल बना देना ठीक है और इन पॉइंट्स को ए और बी नाम दे दो यहाँ पर डी से बना लेना आप डी से ठीक है फिर ए पे आपको 90 डिग्री बनाना है कैसे ऐसे कंपास रख के हम जो लगाते हैं सिक्सटी डिग्री 120 डिग्री और उसका हाफ़ 90 ऐसे करके आपको 90 बनाना है इसी तरह बी पे भी 90 बनाना है 60 120 हाफ 90 और इन दोनों को आगे ज्वाइन करने तो ये पॉइंट सी तुम्हारा ऑटोमेटिकली 60 डिग्री पे बनेगा ठीक है एक बार फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका सर्कल हमने बनाया फाइव सेंटीमीटर का यहाँ पे अगर ये सेंटर है ये दो पॉइंट्स लो ए और बी और ये इस तरीके से बनाने हैं कि ये एंगल 120 ट्वेंटी हो फर्स्ट स्टेप आपका ये हुआ फिर बी पे आपको 90 डिग्री बनाना है ये 90 डिग्री बना दिया ठीक है 60 120 हाफ ऐसे तो ये जो पॉइंट है सी अब ये आप देखिए ये 120 है ये 90 है ये 90 है, ये 90 है अब ये क्या है पूरा एक क्वाड्रिलेटरल है चार साइड्स वाला क्वाड्रिलेटरल होता है क्वाड्रिलेटरल का सब एंगल्स का एडिशन कितना होता है थ्री सिक्सटी डिग्री तो ये वन ट्वेंटी 90, 90 300 थ्री हंड्रेड और ये सिक्सटी होगा ऑटोमेटिकली ठीक है आओगे इसको देखते हैं क्वेश्चन को यहाँ पर हमारे पास ये है ओ यहाँ से आपने ओ क्यू ड्रॉ किया ये ओ क्यू और बी ओ आर यह आपने 120 डिग्री बनाया फिर क्यू पर आपने 90 डिग्री बनाया एक आर्क लगाया फर्स्ट आर्क 60, 120 उसके बीच का 90, इसी तरह आर पे रखते हुए एक कन्वीनियंट रेडियस से ओपन करा 60, 120, 90, ये सब बच्चों को आता ही होगा टेंथ के बच्चों को और इसको ऐसे ज्वाइन होने दिया ये जो पॉइंट मिला ई ये आपका ऑटोमेटिकली एट सिक्सटी डिग्री एंगल होगा बिकॉज हम जानते हैं सभी एंगल्स को ऐड करके थ्री डिग्री बनता है एक नाइन्टी है आपका बिकॉज ये क्या है आपका एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आप ये अपने खुद ही बाइक कंस्ट्रक्शन कर, कराएं नाइन्टी ये नाइन्टी ये नाइन्टी वन ट्वेंटी नाइन्टी वन ट्वेंटी नाइन्टी तो ये एंगल कितना होगा कि थ्री सिक्सटी डिग्री बन जाए ये आपका सिक्सटी डिग्री होगा ठीक है सो इस तरीके से हमने इसको ड्रॉ कर लिया ओके इसकी अगर आपको कंस्ट्रक्शन पॉइंट पढ़ने एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं देखो बच्चो टेंजेंट कैन भी कंस्ट्रक्ट इन दिस मैनर एक सर्कल बनाओ ऑफ रेडियस विद सेंटर ओ टेक अ पॉइंट क्यू एंड ज्वाइन ओ क्यू ड्रॉ परपेंडिक्यूलर क्यू पी एट द पॉइंट क्यू ड्रॉ अ रेडियस ओ आर मेक इन एंगल ऑफ वन ट्वेंटी डिग्री दैन ड्रॉ परपेंडिक्यूलर टू आर पी एट द पॉइंट आर नोथ द परपेंडिक इंटरसेकट एट द पॉइंट एंड सो इट इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट ऑफ सिक्सटी डिग्री ओके सो दिस इज डन अब ये क्वेश्चन आपको करने हैं कंस्ट्रक्ट अ tangent टू अ सर्कल ऑफ रेडियस फोर सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस सिक्स सेंटीमीटर एंड measure इट्स लेंथ तो यहाँ पे कंसेंट्रिक सर्कल्स है जैसे एक आपने फोर सेंटीमीटर का बनाया उसके बाद सिक्स सेंटीमीटर का आपने एक कंसेंट्रिक सर्कल यहाँ पे बना दिया ठीक है फोर सेंटीमीटर सिक्स सेंटीमीटर ऑटोमेटिकली ये आपका फोर सेंटीमीटर का होगा और ये आगे बाहर तक सिक्स सेंटीमीटर होगा ठीक है इसको ओ पॉइंट नाम दे दिया इसको पी पॉइंट नाम दे दिया अब आप ओ पी का परपेंडिकुलर बाईसेक्टर ड्रॉ करोगे दोनों तरफ ऐसे आर्क जाएंगे ये जो पॉइंट आ जाएगा एम ये आपका मिड पॉइंट होगा अब एम पर रखते हुए फिक्स रखते हुए एक और सर्कल ड्रॉ करोगी ये सर्कल तुम्हारा इस तरीके से आने का ठीक है तो ये जो रेड सर्कल मैंने बनाया है इसने पुराने सर्कल को जहाँ पे टच किया उस पॉइंट को तुम नाम दे दो ए और इस पॉइंट को यहाँ नाम दे दिया बी इसको ज्वाइन कर दो तो ये तुम्हारा पी ए और पी बी दो टेंजेंट्स बन गई इसको मैं अभी बना के भी दिखाऊंगी मैंने एक जस्ट एक बताया कि ये तरीका रहेगा उसके बाद अगला क्वेश्चन है ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस थ्री सेंटीमीटर एक सर्कल बना दिया थ्री सेंटीमीटर का टेक टू पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर यानी कि इसके दोनों साइड में जैसे ये डायमीटर है ये टोटल सिक्स हो जाएगा तो यहाँ से सेवन सेंटीमीटर की दूरी पे एक पॉइंट लिया P और इसका भी सेवन सेंटीमीटर की दूरी पे पॉइंट ले लिया Q एट अ डिस्टेंस ऑफ सेवन सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ड्रॉ टेंजेंट्स फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स P और Q से टेंजेंट्स बनाने तो P और Q से टेंजेंट्स कैसे बनेंगे ये जो O पॉइंट है ओ पी का परपेंडिकुलर बाईसेक्टर बनाओ ठीक है ये तुम्हारा एम वन बन जाएगा पहला पॉइंट इसी तरह ओ क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेकटर बनाओ ये तुम्हारा एम टू पॉइंट बन जाएगा ठीक है अब मैं इसको साफ़ कर देती हूँ तुम्हें समझाने के लिए करा था मैंने तो ये जो तुम्हारे एम वन और एम टू बने एम वन पॉइंट से सर्कल ड्रा कर दो एक ये तुम्हारा ऐसे बन जाएगा इसी तरह एम टू पॉइंट से सर्कल ड्रा कर दो ठीक है बिकॉज ये सेंटर हो गया और ये तुम्हारा रेडियस हो गया तो ये जो दो पॉइंट्स मिले हैं इससे पी को ज्वाइन करो ये टेंजेंट हो गए और इस वाले सर्कल ने यहाँ पे कट किया उससे क्यू पॉइंट से, से ज्वाइन कर दो तो इस तरीके से तुम्हारी दो टेंजेंट्स बन जाएगी मैं इसको अभी बना के दिखाती हूँ कमेंट सेक्शन में मुझे तुम बताना कि तुमको समझ आया कि नहीं आया ठीक है इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में लाइक करो अभी एक मैं वीडियो अटैच कर रही हूँ बच्चों ओके गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अब देखिए अब हमारा जो ये पहला क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस फोर सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट टू द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस सिक्स सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ ऑल्सो मेजरमेंट बाई एक्चुअल कैलकुलेशन तो दो टेंजेंट्स बनानी है उसके बाद उनकी लेंस को मेजर करना है बाय एक्चुअल कैलकुलेशन तो अब आप देख रहे हो यहाँ पर ये हमारे पास हम एक सर्कल लेंगे जिसके अंदर हम फोर सेंटीमीटर इसको यहाँ पे अपने मेजर कर लेंगे फोर सेंटीमीटर स्केल से और ऐसे करके हम एक सर्कल ड्रा कर देंगे पूरा ऐसे हिलाकर हमने एक सर्कल ड्रा कर दिया उसके बाद हमें कंसेंट्रिक सर्कल बनाना है इसकी मेजरमेंट चेंज करो और सिक्स सेंटीमीटर इसको कर दो फिक्स ये मैंने पेपर पे नोट करके रखा है सिक्स सेंटीमीटर और फिर इसके बाद मैं अगला इसको ऐसे करके सिक्स सेंटीमीटर मैं सारी जगह ड्रॉ कर लूँगी आप देख रहे हो ये बना हुआ है एक सिक्स सेंटीमीटर का सारी जगह हमने एक सिक्स सेंटीमीटर का सर्कल भी ड्रॉ कर दिया अब हमें क्या करना है बाहर वाले सर्कल से अंदर वाले सर्कल पर हमको एक टेंजेंट बनानी है तो हम क्या करेंगे इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर देंगे ऐसे करके आप ज्वाइन कर दीजिए ठीक है ये ज्वाइन हो गया इसको सेंटर को हम ओ नाम दे देते हैं इसको पी नाम दे देते हैं अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा ओ पी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमको ड्रॉ करना है ओ पी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें इसका सेंटर निकालना है ओ पी का हमें सेंटर निकालना है अब इसका सेंटर निकालने के लिए ओ पी का हम इसको हाफ से ज्यादा खोलेंगे हमें इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है उससे इसका सेंटर भी मिल जाएगा और वो 90 डिग्री पर भी होगा ऐसे करके हमें दो आर्क से हमने छोटी क्लास में सीखा है ना कि कैसे हम करते हैं हमने क्या किया ओ और पी की जितनी लेंथ है उसे हाफ से ज्यादा खोल के दोनों तरफ आर्क लगाया ऊपर नीचे और फिर उसके बाद बिना इसको चेंज किए ओ से लेके दोनों तरफ आर्क लगाया अब आप इसको क्या करेंगे इसको ज्वाइन कर देंगे और इससे आपको इसका सेंटर मिल जाएगा तो ये जो पॉइंट है एम पॉइंट इसको हम एम नाम दे देते हैं ये आपका सेंटर हो गया अब आपको क्या करना है एम को सेंटर रखना है और अपने कंपस को इतना इसके रेडियस के इक्वल यानी ओ एम के इक्वल या ओ पी के इक्वल ये दोनों साइड से इक्वल होगा ये दोनों साइड से इक्वल आना चाहिए अगर हमारा कंस्ट्रक्शन सही हुआ है और इसको लेके हम ऐसे घुमा के पूरा एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे ओके एम पे सेंटर रखते हुए ओ से ऐसे लेके हम पूरा इसको घुमा के सर्कल तो हमें अपने सर्कल को ऐसे करना है एम को सेंटर रखते हुए ओ एम जितना रेडियस हो या एम पी जितना रेडियस हो उतना लेके आप इसे एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे तो अब ये जो सर्कल है नया जो सर्कल हमने बनाया इसने पुराने सर्कल को जिन पॉइंट्स पे टच किया उसको हम एल एम एल और एन नाम दे देते सपोज ठीक है या एक्स वाई एल एन कुछ भी आपने नाम दिया अब आप इसको ज्वाइन कर दीजिए सेंटर पे रखते हुए हम इसको पी पॉइंट से ऐसे करके हमको यहां ज्वाइन कर देना है यूं करके ये जो तो पॉइंट्स था दूसरा ये वाला था ऐसे लेके आप इसको ज्वाइन कर देंगे तो आप ये देख रहे हो अब ये टेंजन्स कैसे बनी है क्लियर हो गया अब हमें इसको मेजर करना है कि ये पी एल लेंथ और ये दोनों लेंथ है ये आपकी इक्वल आएंगी आप इसको स्केल से मेजर कर सकते हो और आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये इक्वल ही आनी चाहिए बिकॉज लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल हम इसको मेजर करते हैं कितनी तो हमने इसको स्केल से मेजर किया बच्चों ये फाइव सेंटीमीटर आ रही है हमारी दोनों साइड से फाइव सेंटीमीटर आ रही है और आप ये देख सकते हो लेंथ ऑफ द टेंजन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल बाह्य बिंदु से जब भी कोई दो स्पर्श रेखाएं बनाई जाती हैं वो बराबर बनती है बाहर के किसी पॉइंट से आप दो टेंजेंट बनाते हो वो इक्वल इन लेंथ होती है ठीक है इसको हमने बाई स्केल मेजर करके देख लिया अब हम नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस थ्री सेंटीमीटर थ्री सेंटीमीटर का एक रेडियस ड्रॉ करना है उसके बाद टेक टू पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर उसके एक्सटेंडेड डायमीटर पे हमें दो पॉइंट्स लेने पी एंड क्यू विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ सेवन सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ड्रॉ अटैजेंट्स फ्रॉम दीज पॉइंट्स पी एंड क्यू तो हमें क्या करना है सबसे पहले हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है थ्री सेंटीमीटर का तो हम यहाँ स्केल पे मेजर करेंगे थ्री सेंटीमीटर कितना होता है और हम इसको मेजर कर लेंगे वन टू थ्री और अपने कंपस को उतना ही ओपन करेंगे और उसके बाद हम देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर रखा है आपके लिए आप देख रहे हो ये एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है थ्री सेंटीमीटर का ठीक है ये सर्कल ड्रॉ करने के बाद में अब आप देख रहे हो ये सर्कल ड्रॉ हो गया है थ्री सेंटीमीटर का हमें क्या करना है सेंटर से इसके दोनों तरफ सेवन सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे अपने स्केल को रखो ये सेवन सेंटीमीटर है यहां पर और इसको हमें एक डिस्टेंस पे लेना है पी पॉइंट सेवन सेंटीमीटर इसी तरह सेवन सेंटीमीटर डिस्टेंस पे यहां पे लेना है सात सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट ले लो जिसको हम बोलेंगे क्यू पॉइंट इसको हम नाम देंगे क्यू पॉइंट तो पी और क्यू दोनों पॉइंट हमने सेंटर से सेवन सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लिए हैं सेवन सेंटीमीटर ओके ये सेवन सेंटीमीटर का डिस्टेंस है सेवन सेंटीमीटर ओके अब हमें क्या करना है इन पॉइंट से यहां पर टेंशन ड्रॉ करनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जो ये हमारा ओपी है इसका हाफ से ज्यादा ओपन करते हुए जैसे ये साइड है यहां से आप बनाना चाहते हो ठीक है तो आप क्या करोगे पी पॉइंट से जैसे हम बना रहे मोर देन हाफ लेते हुए इसका परपेंटिकुलर बाइसेकटर हम ड्रॉ करेंगे आधे से ज्यादा ओपन करते हुए इधर और इधर ऐसे लेके आप इसको दोनों साइड में बना दीजिए ठीक है अब ये चीज को आप यहां पर भी यूज कर सकते हो क्योंकि दोनों में डिस्टेंस बराबर है आप ऐसे करके यहां पर भी कर सकते हो सेम उससे ठीक है इससे अब आप इसको ज्वाइन करके यहां पे आपके सेंटर मिल जाएंगे बिकॉज दोनों जगह सात सेंटीमीटर था ना तो ये हम दोनों इस तरीके से दोनों का अब हमने स्केल से इसको ज्वाइन करा और हमारा जो ये पॉइंट मिला इसको हमने एम वन नाम दे दिया यहाँ पे जो सेंटर मिला इसको हमने एम टू नाम दे दिया अब आपको क्या करना है सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था एम को सेंटर रखते हुए आप ये देखते हो दोनों जगह डिस्टेंस बराबर आ रहा है एम को सेंटर रखते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर दो ये बिकॉज आपने सही कंस्ट्रक्शन करी होगी तो दोनों पर ये इक्वल जाएगा और ये सेम आप यहां पर भी कर सकते हो बिकॉज हमारा डिस्टेंस बराबर है तो इस तरीके से आपका एक और सर्कल यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा ये बिल्कुल ये भी ओ से होता हुआ जाएगा अब जो दो पॉइंट्स यहाँ पर मिले हैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमने नोट कर लेना है कि कहाँ पर इसने पुराने सर्कल को कट किया है ठीक है इसको हम X1 X2 रख लेते हैं इसको हम Y1 और इसको Y2 रख लेते हैं अब आप अपनी स्केल से इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए अगर आपका कंपस नहीं हिला होगा बनाते समय तो बिल्कुल भी एरर नहीं आएगा और कंपस थोड़ा बहुत हिल गया है, तो थोड़ा बहुत एरर आपका हो सकता है बट हमारा प्रोसीजर ऐसे ही रहेगा पी से ऐसे लेते हुए ये पॉइंट लो और इसको ऐसे ज्वाइन कर दो ठीक है सेम क्यू से लेके क्यू ने जब यहाँ सर्कल पे किया था तो ये आपको ऐसे लेते हुए यहां पे ज्वाइन कर देना फिर यहां से लेते हुए ये जो वाई टू पॉइंट है मेन सर्कल पे इसको लेते हुए इसको ज्वाइन कर देना तो इस तरीके से आपका ये सर्कल बना तो आपने नोटिस किया एक बार मैं फिर से बता देती हूँ आपने जब जो सेंटेक्स मेन सर्कल लिया था उससे आपने ये आपका मेन सर्कल था उससे आपने सेवन सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये पॉइंट रखा एक पॉइंट आपने ओ से आपने लिया था और ये पी पॉइंट रखा था फिर ओ से ये हमारा क्यू और ये दोनों सेवन सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे थे उसके बाद आपने ओ पी पॉइंट का परपेंडिकुलर बाई बना के ये सेंटर निकाला एम वन और इस सेम उससे फिर आपने इसका परपेंडिकुलर बाइसेकटर निकाला बिकॉज प्रपेंडिकुलर बाइसेकटर कैसे निकालते हैं हाफ से ज़्यादा ओपन करके ऊपर नीचे दोनों जगह आर्क लगाते हैं वो सेम रेडियस हम यहाँ भी यूज़ कर सकते थे बार बार कंपस चेंज नहीं करना पड़ेगा बिकॉज दोनों जगह सात सेंटीमीटर दिया है अगर ये डिस्टेंस अलग होता है बच्चों तो आप अलग अलग कंपस को ओपन करते हैं हाफ से ज़्यादा ओपन करना होता है अब सेंटर मिलते ही आपने इस तरह सर्कल ड्रॉ कर दिए सेम यहाँ पर ड्रा हो गए अब ये जो दो पॉइंट्स मिले पुराने सर्कल्स को कहाँ टच कर रहे इन पॉइंट्स को आपने इसको आपने x1 नाम दिया है इसको आपने x2 दिया है इसको y1 और इसको y2 और आपने कनेक्ट कर दिया देखो ओ से कनेक्ट कर दिया ये जो लाइन जा रही है और यहां से ये कनेक्ट कर दिया ठीक है इसी तरह ये कनेक्ट कर दिया ये मैं कलर्ड पेन से इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए है ना पेंसिल का इतना नजर नहीं आता तो आप देख रहे हो इस तरह से ये आपके टेंजेंट्स बन जाते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ठीक से टेंजेंट बना पाए कि नहीं बना पाए आप लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम में ज़रूर आता है ओके okay, चिल्ड्रेन आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा ओके okay.